चलिए स्टूडेंट हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बैलेंस डाइट। द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड आवर डाइट। हम लोग जो भी भोजन खाते हैं पूरे दिन वही हमारा क्या कहलाता है, डाइट। आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड आइटम्स मेड फ्रॉम सीरियल्स लाइक वीट एंड राइस, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, एग, मिल्क, मीट, फिश एंड सो ऑन। हमारा जो डाइट हो सकता है उसमें कई तरह के फूड आइटम हो सकते हैं, जैसे कि अनाज में आपका चावल हो गया, गेहूँ हो गया, है ना, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, मीट, फिश, ये सब चीज़ें है कि नहीं। तो ये कुछ भी हो सकते हैं हमारे डाइट में, इन सब में इनमें से कुछ भी हो सकता है। द डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। एक ऐसा डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट में सभी रिक्वायरमेंट, जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट हैं, रफेज है और वाटर है, जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, वो कम्प्लीटली है, तो इस तरह के डाइट को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द सेक्स एंड एज ऑफ द पर्सन, ऑक्यूपेशन एंड स्पेशल नीड्स। और ये जो बैलेंस डाइट होता है डिपेंड करता है कि पर्सन मेल है, फीमेल है, उसका एज क्या है, उसका काम क्या है, वो किस तरह का काम करता है, मतलब लेबरर है या स्टाफ है या ऑफिस वर्क है, मतलब जिस तरह का वर्क है उसी हिसाब से उसे डाइट भी लेना चाहिए, उसी तरह के न्यूट्रिएंट्स उसे रिक्वायरमेंट होते हैं। या फिर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, है ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन देन ए ग्रोन अप मैन टू डेवलप बॉडी टिश्यू नीडेड फॉर द ग्रोथ। अब एक बच्चा जो छोटा सा अभी वो बड़ा हो रहा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, देन ए ग्रोन अप मैन, उसके कंपेरिजन में जो कि एक बड़े हो चुके व्यक्ति हैं, ठीक है ना। किसी भी बड़े आदमी के कंपेरिजन में एक छोटा बच्चा जो कि अभी बड़ा हो रहा है, उसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी? टू डेवलप बॉडी टिश्यू नीडेड फॉर द ग्रोथ, बॉडी टिश्यू को डेवलप होने के लिए, जिससे कि उसका ग्रोथ हो सके। ए प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स मोर प्रोटीन्स इन हर डाइट फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ द डेवलपिंग बेबी। ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको भी ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि जो उसके पेट में बेबी पल रहा है उसका भी क्या कहते हैं, विकास हो सके। ए नर्सिंग मदर हु ब्रेस्ट फीड हर बेबी नीड्स मोर प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर हर बेबी। और एक ऐसी मदर, मतलब एक माता जो बच्चे को दूध पिला रही हो, उन्हें भी क्या चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए, जिससे कि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दूध बने और अपने बच्चे को पिला सके, है ना। लेबरर्स, एथलीट्स, रिक्शा पुलर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट टू ऑब्टेन मोर एनर्जी टू डू हार्ड फिजिकल वर्क। अब जितने भी कारीगर होते, काम करने वाले होते, लेबर, एथलीट्स, रिक्शा पुलर, रिक्शा चालक, इन सबको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके और वो हार्ड वर्क कर सकें। द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ईटिंग द रिस्क राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। कह रहा है कि मतलब अच्छे तरह का भोजन खाना ही केवल इनफ नहीं है। द फूड शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। जो भोजन है उसे प्रॉपरली पकाया जाए, जिससे कि उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म ना होने पाए। इफ कुकिंग इज डन इन एक्सेस ऑफ वाटर एंड द वाटर इज थ्रोन अवे आफ्टर कुकिंग, मेनी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट। अगर जो हम भोजन पका रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने वाटर का यूज़ किया है और उस वाटर को हम अगर फेंक दे रहे हैं खाना पकाने के बाद, तो अब उस वाटर में जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। तो हमें एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर लेना चाहिए फूड को प्रिपेयर करते समय। ये कुकिंग इज डन एट हाई टेम्परेचर मेनी प्रोटीन्स विटामिन्स लाइक विटामिन सी आर डिस्ट्रॉयड। अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कुकिंग किया जाएगा तो फिर जो उसमें प्रोटीन है, कई सारे विटामिन है जैसे कि विटामिन सी, ये सब क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मोस्टली थिक पील आर रिमूव फ्राम द वेजिटेबल एंड फूड, दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो सब्जियों के छिलके होते हैं ज़्यादातर
उस पर मोटा सा परत हटा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। आगे बात समझ में। वॉशिंग अप सम पील्ड एंड कट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कॉजेस लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिंस। और काफ़ी सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें हम लोग छीलने के बाद उसे धुल देते हैं, तो उसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिंस है वो भी क्या हो जाता है, निकल जाता है। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ दाल राइस आल्सो कॉजेस लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिंस एंड मिनरल्स। और जब हम लोग बार बार दाल हो गया, चावल हो गया, उसे धुलते हैं तो उससे भी क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिंस होते हैं उसमें से निकल जाते हैं और मिनरल्स।